उत्तर प्रदेश में प्राथमिक स्कूलों की दशा और दिशा सुधारने के लिए योगी सरकार के लाख कोशिशों के बावजूद अब भी बहुत से स्कूल मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। सिद्धार्थनगर जिले में आज भी कई ऐसे स्कूल हैं जहां पर बिजली की व्यवस्था अब तक नहीं पहुंची है और न ही वहां पर बच्चों और शिक्षक शिक्षिकाओं के आने जाने का रास्ता सही है। हद तो ये है कि इन विद्यालयों में बिजली न होने के बावजूद पानी की सप्लाई के लिए पानी की टंकी और प्लम्बिंग कराकर जगह जगह पानी की टोंटी सालों पहले ही लगाई जा चुकी हैं, जिसका इस्तेमाल अभी तक नहीं हो सका है। हालांकि इस बारे में जिलाधिकारी राजीव रंजन ने ऐसे स्कूलों को चिन्हित कर जल्द से जल्द इन सुविधाओं से लैस करने की हिदायत दी है। सिद्धार्थनगर जिले के जोगिया ब्लॉक का प्राथमिक विद्यालय मधवापुर है। प्राथमिक विद्यालय मधवापुर में पढ़ने के लिए बच्चों की अच्छी तादाद है और उन्हें पढ़ाने के लिए शिक्षक शिक्षिकाएं भी हैं, लेकिन अगर यहां पर कमी है तो सिर्फ मूलभूत सुविधाओं में गिने जाने वाली सड़क और बिजली की। आपको शायद ये जानकर ताज्जुब होगा कि योगी सरकार में प्राथमिक विद्यालयों पर करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी सिद्धार्थनगर जिले में दर्जनों ऐसे विद्यालय हैं जहां पर आज भी बिजली की सप्लाई नहीं पहुंची है और ना ही वहां तक जाने के बेहतर रास्ता है। प्राथमिक विद्यालय मधवापुर में पढ़ने वाले छोटे बच्चे भी स्कूल तक आने वाले खराब रास्ते और स्कूल में बिजली ना होने से काफी परेशान हैं। बच्चों का कहना है कि जरा सा भी बारिश में स्कूल तक आने वाली सड़क पूरी तरह पानी से भर जाती है और उन्हें विद्यालय में खेतों में बने मेड़ों के सहारे से स्कूल पहुँचने को विवश होना पड़ता है। स्कूल के बच्चों ने बताया कि गर्मी में उन्हें शिक्षा ग्रहण करने में काफ़ी दिक्कत होती है। स्कूल में लाइट ना होने से पंखे की व्यवस्था व अन्य सुविधाएं उन्हें नहीं मिल पाती हैं। बच्चों ने संबंधित अधिकारियों से जल्द उनकी इन समस्याओं को दूर करने की मांग की है। खराब है सर, खराब है, सारे पानी बच जाता है तो साइकिल लेके आते हैं, हम गिर जाते हैं, बहुत परेशानी होती है सर, इसीलिए हम सर खेत में से आते हैं। मतलब थोड़ी सी बारिश होती है तो पूरा पानी भर जाता है, बहुत दिक्कत होती है आने में। अच्छा, किसने तुम्हारे स्कूल में लाइट लगी है? सर नहीं लगी हुई है सर, बहुत गर्मी होती है, सब पढ़ते हैं तो सर हमारे पसीने से भीग जाते हैं। लाइट नहीं है ना? जी सर। और बेटा किताब उताब ये सारी चीजें मिल गई है? जी सर। आप लोगों को मिली हुई है? सब सब मिली है। तुम्हारे साथ पढ़ाते हैं बढ़िया? जी सर। ये रास्ता पानी भर जाता है, हम लोग साइकिल से नहीं आ पाते, गिर जाते हैं और यहाँ मेड़ से आते हैं सर जी। मेड़ से आते हो? पानी पूरा भर जाता है, बहुत दिक्कत होती है। यहाँ तक भर जाता है सर जी। अच्छा, तो पूरा इतना पानी भर जाता है? अच्छा, और क्या स्कूल में लाइट वाइट है? नहीं। कितनी दिक्कत होती है गर्मी? तो बहुत दिक्कत होती है गर्मी की, सब लिखते हैं तो पसीने से डूब जाते हैं। अच्छा अच्छा, और सब चीज पढ़ाई होती है बढ़िया? बस खाली लाइट लग जाए, रास्ता बन जाए, है ना, मामला फिट। हवे की जरूरत पड़ती तो कैसे होंकते हो? किताब से कि किससे? हाँ, किताब से। किताब से? अच्छा, किताब से होंकते हो? हाँ जी सर। सर मेरा नाम अनीता है, मैं प्राथमिक विद्यालय मधवापुर में इंचार्ज हूँ। अनीता जी, यहाँ पे क्या क्या दिक्कत है आपके विद्यालय में, क्या क्या समस्या है? सर मेरे स्कूल में एक लाइट की समस्या है और एक आने जाने के रास्ते की समस्या है। कि मेरे स्कूल में जो आने जाने का जो रास्ता है वो कम से कम 500 मीटर की दूरी पर एकदम कच्चा रास्ता है, वो बरसातों में इतना ख़राब हो जाता है कि बरसात में इतने बड़े बड़े उसमें मतलब गड्ढे भी हैं और पानी पूरा जमा हो जाता है और हम लोगों को आने के लिए रास्ता भी नहीं मतलब मिलता है और हमारी जो स्कूटी वगैरह है वो भी नहीं आ पाती है। ख़राब रास्ता होने की वजह से हम लोगों को स्कूटी घर मतलब गांव में किसी के यहाँ खड़ी करनी पड़ती है और कई बार हम लोग भी मतलब फिसलने से या गिरने से बचे हैं, बच्चे भी कितनी बार बचे हैं, तो रास्ता बहुत ही ख़राब है। हाँ जी जी जी, जरा सी भी अगर बारिश होती है तो पानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, निकलने का कोई रास्ता नहीं रहता है। तो ये लाइट को लेकर के यहाँ पे नहीं है सर, लाइट की भी प्रॉब्लम है, लेकिन सर लाइट के लिए तो हम अपनी तरफ से तो प्रयास कर ही चुके हैं, एप्लीकेशन वगैरह देना ये सब जेई के यहाँ भी दे चुके हैं, पिछले साल दे चुके हैं अपना, और विभाग की तरफ से प्रयास चल रहा है करने का। लाइट की समस्या है, इतने सालों से लाइट नहीं है तो इस वजह से स्कूल में अब हमारे में जैसे टंकी लगी है, टंकी का कोई यूज़ नहीं हो पाता है, मल्टीपल हैंड वॉश बना है उसका भी कोई यूज़ नहीं हो पाता है, या फिर जैसे हम बच्चों को कोई जो मतलब प्रोजेक्टर वगैरह या इनसे कोई मतलब ऑनलाइन वाली कुछ चीज़ें अगर पढ़ाना चाहें तो उन चीज़ों के बड़े मतलब हमको समस्याओं को फेस करना पड़ता है लाइट की वजह से। अगर लाइट होती तो शायद बच्चों को कुछ और अच्छा मिलता, लेकिन बिना लाइट के। आपके माध्यम से ये हमारे संज्ञान में लाया जा रहा है
और लाइट के लिए मैं व्यवस्था कराता हूँ कि उसके कोई एस्टिमेट हो, उसको किसी स्तर से हम लोग उसमें संसाधन देने की कोशिश करते हैं तो लाइट आ जाएगी। और दूसरा जो रास्ते की बात है उसका मौका का निरीक्षण करा लेते हैं, जिस भी स्तर पे होगा अगर बनाने का उसको हम लोग उसको बनवा देंगे। जो टीचर्स हैं इन लोगों का ये है कि काफ़ी मतलब कई बार एस्टिमेट वगैरह और इस तरह की कई कार्रवाइयाँ हुई लाइट को लेकर के और रास्ते को लेकर के, लेकिन वो सारी चीज़ें नहीं, ये बातें आपकी सही हो सकती है पर मेरे जानकारी में अभी आपके द्वारा लाया जा रहा है और हम इसे जल्द से जल्द ठीक कराने की कोशिश करेंगे। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।